So hi everyone, welcome back to my channel, and for today I will be talking about important question answers for principle of microeconomics first. So first of all, मैं आपको explanation video already provide कर चुकी हूँ, उसको अगर आपने तक नहीं देखा तो description में आपको link मिल जाएगा. Also description में आपको कुछ और videos का link मिलेगा, that is principle of microeconomics first के ही, जो कि मैंने आपको different courses के exams की preparation करवाई थी. उसका syllabus थोड़ा सा different है, but उसमें मैंने आपको सारे important question answers बता रखे हैं और भी. So उन videos को जरूर checkout कर लेना before going for the exam. So let's begin with the video now, that is important question answers for principle of microeconomics. You have your syllabus, that is unit 1 to unit 6. So this is your syllabus, and now we have is the unit 1. So har unit ki main aapko around and around 3 questions explain karne wali hu. 2 questions main hone wale hain, and 1 question jo hai wo ho sakta hai jo important nahi honge, that I will leave. First of all, आपको ये पता होना चाहिए एक डेफिनेशन इकोनॉमिक्स क्या होता है, लाइक इकोनॉमिक्स क्या है इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और टू मेन ब्रांचेज इकोनॉमिक्स के क्या होते हैं. सो इकोनॉमिक्स जो है एक स्टडी है ऑफ कैसे जो लोग हैं वो चॉइसेस बनाते हैं इन द वर्ल्ड विद लिमिटेड रिसोर्सेज. यहाँ पे टू टाइप की ब्रांचेज होती है, लाइक टू ब्रांचेज होती है इकोनॉमिक्स की, माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो कौन सी होती है, जो कि फोकस करते हैं बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड फर्म्स इन मार्केट, वाइल जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो स्टडी होती है ऑफ बिहेवियर इकोनॉमी एज अ होल, इंक्लूडिंग इशूज सच एज इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ऑल्सो वट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज वट आर द थ्री बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन डेट ऑल सोसाइटीज फेस, कि मतलब कौन से तीन इकोनॉमिक सोसाइटीज होते हैं, मतलब तीन इकोनॉमिक क्वेश्चंस होते हैं. सो फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस करें. सेकंड इज कि कैसे प्रोड्यूस करें, और थर्ड इज किसके लिए प्रोड्यूस करें, होम टू प्रोड्यूस इट, मतलब किसके लिए प्रोड्यूस करें. सो क्वेश्चंस जो है वो जनरली आते हैं बिकॉज ऑफ स्कार्स, मतलब कि स्कार्स ऑफ रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है, एक कमी है रिसोर्सेज की, दैट इज व्हाई. एंड देयरफॉर सोसाइटीज को जो वो चूज करना होता है कि वो कैसे एलोकेट कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज अमंग कॉम्पिटिटिंग यूजेस. नेक्स्ट वी हैव इज द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है एक स्टडी होती है ऑफ व्हाट इज, वेयर एज लाइक इज अ स्टडी ऑफ व्हाट इज, ओके. सो ये एक स्टडी होता है व्हाट इज, एंड वेयर इज द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ये एक स्टडी है ऑफ व्हाट ऑट टू बी, मतलब कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है कि रियल में क्या हो है, दैट इज व्हाट इज, जो कि रियल में है. एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज कि व्हाट ऑट टू बी, कि मतलब क्या चीज होनी चाहिए. सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो फोकस करती है ऑन डिस्क्राइबिंग इकोनॉमिक फिनोमिना एंड मेकिंग प्रिडिक्शंस अबाउट हाउ पीपल विल बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशन, वेयर एज जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है ये कंसर्न होती है विद मेकिंग वैल्यू जजमेंट्स एंड ये रिकमेंड करती है पॉलिसीज दैट विल इम्प्रूव इकोनॉमिक आउटकम्स. विद दिस वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट 2. सो यूनिट 2 में हमारे पास है सप्लाई एंड डिमांड. इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड एंड कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड को. सो जो डिमांड है ये एक स्टेट है दैट ऑल एल्स इक्वल जो क्वांटिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज है डिमांडेड, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट सेट कि जो ऑल एल्स इक्वल है एंड जो क्वांटिटी ऑफ गुड और सर्विसेज है डिमांडेड डिक्रीजेज एज इट्स प्राइस इंक्रीजेज, कि अगर कभी भी प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड उसकी डिक्रीज होगी. सेवरल फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं इस डिमांड को, इंक्लूडिंग द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर इनकम एंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस. उसके अलावा पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स एंड अलग से है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस एंड इनकम्स. ऑल्सो मैं आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ, तो अगर आप उसे देखोगे पहले तभी आपको ये क्वेश्चन आंसर्स और अच्छे से समझ आ पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन ये आगे इसके व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई और कौन व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस सप्लाई, मतलब कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं. सो फर्स्ट इज लॉ ऑफ सप्लाई क्या है. सो लॉ ऑफ सप्लाई के ऑल एल्स इक्वल है और जो क्वांटिटी ऑफ गुड और सर्विसेज है सप्लाइड इंक्रीजेस एज द प्राइस इंक्रीजेस, मतलब कि सप्लाई भी इंक्रीज होगी एज द प्राइस इंक्रीजेस. और इसके सेवरल रीजंस हो सकते हैं बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लाइक इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, नेचुरल डिजास्टर्स एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन. विद दिस वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ शिफ्ट इन डिमांड एंड अ मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व. सो एक शिफ्ट इन डिमांड जो है वो अकर करता है व्हेन जो एंटायर डिमांड कर्व है वो शिफ्ट करता है टू द लेफ्ट और राइट ड्यू टू द चेंजेस इन फैक्टर्स सच एज कंज्यूमर इनकम एंड और प्रेफरेंसेस. इन कॉन्ट्रास्ट इफ द मूवमेंट है अलॉन्ग द डिमांड कर्व अकर करती है व्हेन जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है ऑफ अ गुड और सर्विस चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन इट्स प्राइस व्हाइल ऑल अदर फैक्टर्स जो है वो रिमेन रहते हैं एज अ कॉन्स्टेंट. नेक्स्ट वी हैव इज द यूनिट 3, दैट इज द हाउसहोल्ड. सो हाउसहोल्ड में वी हैव द क्वेश्चन 1, दैट इज कि डिफरेंस क्या है बिटवीन द नॉमिनल इनकम एंड द रियल इनकम. सो फर्स्ट इज नॉमिनल इनकम. नॉमिनल इनकम वो इनकम होती है, वो अमाउंट ऑफ मनी होते हैं अ हाउसहोल्ड अर्न्स इन करंट डॉलर्स.
वाइल जो रियल इनकम है ये अमाउंट होता है और लाइक इट इज अमाउंट ऑफ मनी अ हाउस होल्ड अर्न्स इन करंट डॉलर्स. लाइक जनरली क्या होता है इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ. सो ऐसे आपको समझ आएगा नहीं. सो नॉमिनल इनकम जो है ये मनी होती है एक हाउस होल्ड जो अर्न करता है इन करंट डॉलर्स, मतलब कि जो डॉलर्स में अर्न कर रहा है. वेल जो रियल इनकम होती है ये अमाउंट वो एक कॉन्स्टेंट लाइक हाउस होल्ड अर्न इन अ कॉन्स्टेंट डॉलर्स वेयर इज जो एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेमेशन, मतलब कि वो इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट वगैरह होती है. वाइल जो रियल इनकम होती है ये एक मोर एक्यूरेट मेजर होता है ऑफ हाउस होल्ड परचेज पावर पावर देन नॉमिनल इनकम, मतलब इसका हाई पावर होती है देन द नॉमिनल इनकम. विद दिस वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल गुड एंड इन्फीरियर गुड. सो नॉर्मल गुड कौन कौन से होते हैं और इन्फीरियर गुड कौन कौन से होते हैं. सो नॉर्मल गुड वो गुड्स होते हैं जो कि डिमांड जब इंक्रीज होती है एज द इनकम इंक्रीजेस, वाइल इन्फीरियर गुड वो गुड्स होते हैं जिसमें डिमांड डिक्रीजेस होती है, मतलब डिमांड डिक्रीज होती है जब इनकम इंक्रीज होती है. एग्जाम्पल जो नॉर्मल गुड्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं लग्जरी गुड्स जैसे कि हाई एंड क्लोथिंग ज्वेलरी, और वही इन्फीरियर गुड्स होते हैं जेनरिक प्रोडक्ट जैसे कि स्टोर ब्रांड फूड आइटम्स, ये सारी चीजें. नेक्स्ट वी हैव इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट्स. सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है. एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है वो आउट ऑफ पॉकेट या आर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस दैट अ हाउस होल्ड इनकर्स सच एज कॉस्ट ऑफ रेंट एंड कॉस्ट ऑफ ग्रोसरीज. Implicit cost जो है वो अपॉर्चुनिटी होती है कॉस्ट की डेट अ हाउस होल्ड इनकर्स सच एज द इनकम डेट कुड हैव बीन अर्नड इफ द हाउस होल्ड जो है परचेज करते हैं डिफरेंट करियर और इन्वेस्टेड इन अ डिफरेंट बिजनेसेस. विद दिस वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट 4 जो फर्म एंड परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में. सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट. सो ये पता डिफ्रेंशिएशन आपको जरूर पता होना चाहिए फॉर ए पेपर, बिकॉज पेपर में आपसे कोई भी पर्टिकुलर चीज के बारे में पूछा भी जाएगा तो आप उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन के बारे में भी बता सकते हैं. सो डिफरेंस क्या होता है बिटवीन द इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट. इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो डिफरेंस होता है बिटवीन अ फर्म्स टोटल रेवेन्यू एंड इट्स टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्लूडिंग बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. इन कॉन्ट्रास्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है ये इज अ डिफरेंस बिटवीन अ फर्म टोटल रेवेन्यू एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट ओनली. इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है मेजर, लाइक इट इज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी एज इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द कॉस्ट एसोसिएट विद द प्रोड्यूसिंग अ गुड और सर्विस. नेक्स्ट वी हैव इज कि एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या होती है एंड उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं फर्म के इन ऑपरेटिंग सच अ मार्केट. एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये वाला. मेनली जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के लिए. सो ये एक मार्केट है इन विच वहाँ पे बहुत सारे बायर्स होते हैं सेलर्स होते हैं एंड नन ऑफ होम कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस, मतलब कोई भी मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है. फर्म्स जब ऑपरेट करती है इन सच अ मार्केट आर प्राइस टेकर्स मीनिंग दैट दे मस्ट एक्सपेक्ट द मार्केट प्राइस एंड कैन नॉट इन्फ्लुएंस इट थ्रू देयर ओन एक्शंस, मतलब कि ये नहीं हो सकता कि अपनी मर्जी से वो कुछ भी प्राइस सेट कर ले, उनको एक मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है. दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस अ होमोजीनियस प्रोडक्ट मीनिंग दैट उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं टू दैट ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स, मतलब जो उनके कॉम्पिटिटर्स बना रहे हैं वो ट्राई करते हैं कि वो उस मार्केट में भी घुस सके ताकि वो जो अपनी कॉम्पिटिटिव कंपनी को जो है वो आगे ना बढ़ने दे. इन एडिशन उसमें कोई भी बैरियर्स नहीं होते हैं टू एंट्री और एग्जिट इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, मीनिंग जो न्यू फर्म्स है वो एंटर कर सकती है और जो एग्जिस्टिंग फर्म्स है वो एग्जिट कर सकती है मार्केट विदाउट इनकरिंग सिग्निफिकेंट कॉस्ट, मतलब कि कोई ज्यादा डिफरेंस बनाए बिना वो एग्जिट एंट्री कर सकते हैं. वट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्म्स प्रोडक्शन डिसीजन. सो एक शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉन्टेक्स्ट में जो है क्या क्या डिफरेंस होता है. सो एक शॉर्ट रन जो है लाइक एक इन अ शॉर्ट रन जो एक फर्म है वो कंस्ट्रेंड होती है बाय इट्स फिक्स्ड इनपुट्स सच एज इट्स कैपिटल इक्विपमेंट एंड द साइज ऑफ इट्स वर्कप्लेस. एज अ रिजल्ट इट कैन ओनली इंक्रीज इट्स आउटपुट बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वेरिएबल इनपुट्स सच एज कि रॉ मटेरियल या फिर लेबर. लॉन्ग रन में क्या होता है कि जो एक फर्म होती है वो एडजस्ट कर रही है अपने आउटपुट्स को या फिर अपने इनपुट्स को मेनली इंक्लूड करती है लाइक फिक्स्ड इनपुट्स को वो एडजस्ट करती है, ऑप्टिमाइज करती है अपने प्रोडक्शन को और अपने डिसीजंस को एंड देन अलाउ करती है कि वो अचीव कर सके इट्स मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट गिवन इट्स अवेलेबल इनपुट्स एंड टेक्नोलॉजी. विद दिस वी हैव इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यूनिट दैट इज परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर. सो एक परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो
डिफरेंस बिटवीन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, लाइक वट इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, एंड उसमें भी और जैसे बहुत सारे होते हैं जैसे कि ओलिगोपोलिस्टिक एंड देर इज वन मोर. सो उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो में बता रखा है. सो विद दिस आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन बिकॉज इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है. वट इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, वट इज मोनोपोली एंड वट इज ओलिगोपोली. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ. फर्स्ट इज मोनोपोली. मोनोपोली वो का टाइम होता है कि जब एक कंपनी जो है वो, जैसे एक सिंगल कंपनी है जो कि लैपटॉप बना रही है, तो वही कंपनी जो कि लैपटॉप बना रही है और कोई कंपनी लैपटॉप नहीं बना रही है, दैट इज मोनोपोली. देन इज द ओलिगोपोली. ओलिगोपोली में जो वो कंपनीज कैसी होती हैं कि मतलब आपके पास टोटल 10 कंपनियां हैं और सारी सेम लेवल पे हैं, तो वो ट्राई करती है कि एक दूसरे से कॉम्पीट करें एंड आगे निकल सके, और जो सबसे आगे निकल जाएगी वो ट्राई करती है कि वो जितनी भी नीचे कंपनियां हैं उसको धीरे धीरे गिरा सके या फिर खत्म कर सके. That is called as oligopoly. And then we have is the monopolistic competition. ये एक market structure होता है जिसमें बहुत सारी firms जो है वो produce करती है एक slightly differentiated product. मतलब कि वो different different type के product, like बहुत जिसमें कम difference होते हैं वो वाले products जो है वो produce करती है. And वहाँ पे कोई ज़्यादा barrier नहीं होता, like firms also face relatively low barriers to entry and exit. Meaning जो न्यू फर्म से वो इजिली एंटर कर पाती हैं एंड जो एग्जिस्टिंग फर्म से वो इजिली एग्जिट कर पाती हैं. एंड इन एडिशन ये जो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन है, एज फर्म्स डिफरेंशिएट करती हैं देयर प्रोडक्ट्स थ्रू एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग एंड अदर मीन्स, तो उस चीज़ों से वो अपना डिफरेंशिएशन कर पाती हैं. विद दिस वी आर कमिंग टू द लास्ट यूनिट, दैट इज यूनिट 6. इसमें हमारे पास है इनपुट मार्केट्स. सो वट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड इनपुट एंड अ वेरिएबल इनपुट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ फर्म्स प्रोडक्शन डिसीजंस. सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या होता है बिटवीन अ फिक्स्ड इनपुट एंड अ वेरिएबल इनपुट. सो एक फिक्स्ड इनपुट जो है ये इनपुट होता है हुज क्वांटिटी कैन नॉट बी चेंज्ड इन द शॉर्ट रन, सच एज फर्म्स कैपिटल, इक्विपमेंट और अ साइज ऑफ इट्स फैक्ट्री. एक वेरिएबल इनपुट जो है ऑन द अदर हैंड ये एक इनपुट होता है जिसकी क्वांटिटी जो है वो चेंज हो सकती है इन द शॉर्ट रन, सच एज रॉ मटेरियल या फिर लेबर. इन द शॉर्ट रन जो एक फर्म होती है वो कंस्ट्रेंट होती है बाय इट्स फिक्स्ड इनपुट्स एंड वो एडजस्ट कर पाती है ओनली इट्स आउटपुट बाय चेंजिंग द क्वांटिटी ऑफ द वेरिएबल इनपुट्स. इन द लॉन्ग रन हाउएवर जो एक फर्म है वो एडजस्ट कर पाती है ऑल ऑफ इट्स इनपुट्स इंक्लूडिंग द फिक्स्ड इनपुट टू ऑप्टिमाइज इट्स प्रोडक्शन डिसीजंस. नेक्स्ट यू हैव इज की व्हाट इज फैक्टर मार्केट एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन. सो फैक्टर मार्केट क्या होती है? सो एक फैक्टर मार्केट जो ये मार्केट होती है इन विच जो फर्म होती है वो परचेज करती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लेबर, कैपिटल, लैंड एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम हाउस होल्ड्स. ये फैक्टर्स होते हैं ऑफ प्रोडक्शन आर रिसोर्सेज जो कि यूज किए जाते हैं ताकि वो प्रोड्यूस कर सके गुड्स एंड सर्विसेज. लेबर जो है वो रेफर करती है टू द वर्क डन बाय द पीपल, वाइल कैपिटल जो है वो रेफर करती है टू द फिजिकल एंड ह्यूमन एसेट्स को यूज इन प्रोडक्शन सच एज मशीनरी बिल्डिंग्स लाइक मशीनरी और सच एज इन बिल्डिंग्स ऑल्सो या सच एज मशीनरी बिल्डिंग एंड स्किल्स. लैंड जो है वो रेफर करते हैं टू नेचुरल रिसोर्सेज सच एज लैंड इट्सेल्फ, वाटर एंड मिनरल्स. वाल जो एंटरप्रेन्योरशिप रेफर करती है टू द एबिलिटी कि वो कंबाइन करे इन रिसोर्सेज के साथ टू क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज. विद दिस वी आर कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या है एंड हम कैसे जो है हाउ डज इट रिलेट टू अ फर्म्स हायरिंग डिसीजन, जो कि फर्म की हायरिंग डिसीजन से कैसे रिलेट कर सकती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर जो है ये एक एडिशनल आउटपुट है जो कि प्रोड्यूस करती है व्हेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर इज एम्प्लॉयड होल्डिंग ऑल अदर इनपुट्स कॉन्स्टेंट. सो जो मार्जिनल इनपुट मार्जिनल प्रोडक्ट है ऑफ लेबर ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन अ फर्म्स हायरिंग डिसीजन जो कि डिटरमाइन करता है फर्म्स के ऑप्टिमल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को. इफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो पॉजिटिव होता है एंड ग्रेटर देन द वेज रेट जो फर्म होता है वो हायर करता है मोर वर्कर्स अंटिल द मार्जिनल प्रोडक्ट जो है ऑफ लेबर इक्वल्स द वेज रेट. और अगर जो मार्जिनल प्रोडक्ट है और लेबर का ये नेगेटिव में होता है जो फर्म जो होती है वो रिड्यूस कर देती है इट्स लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंटिल जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ऑफ लेबर है वो इक्वल होता है टू द जीरो. एंड विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो हियर ओनली. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स फॉर ऑल द यूनिट्स. वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी. ऑल्सो मैंने आपको कुछ प्रीवियस वीडियोज प्रोवाइड कर रखी है उसका सबका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.